मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और जितना आपने पढ़ा है उसको वो समझ में आ गया होगा और आपने उसे लर्न भी कर लिया होगा। आज हम आपको कंप्यूटर में पढ़ाएंगे चैप्टर 6 लेसन 6 फॉर्मेटिंग योर डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स जैसे कि आप कोई कुछ भी आप टाइप करते हो और उसको आपको चेंज करना, उसमें कुछ भी चेंज करना है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी निकाल, जैसे कि राम इज गुड बॉय, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को आपको चेंज करना है, जैसे कि आप यहाँ पर हमारा एक बॉक्स होता है, जब आप ओपन करोगे अब जो विंडो ओपन होता है तो उसमें जो मिस वर्ड होता है, मिस वर्ड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सिर्फ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। अगर हमको जो है इसमें मान लीजिए अंडरलाइन करना है, इसे इटैलिक में लिखना है, ये बोल्ड करना है, हमें द फॉन्ट को, फॉन्ट जो होता है उसे चेंज करना होता है या उसके साइज को बड़ा या छोटा करना होता है, तो वो हमारा फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। फॉर्म इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, होम टैब। आप बुक ओपन करिए, इसमें देखिए फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, बुक ओपन करिए, पेज नंबर जो है 86 फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। इसमें फिगर आप देखिए, फिगर बना हुआ है ना, फिगर 6.1। इस फिगर को देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन बने, फॉन्ट ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप होम टैब को क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने होम टैब को क्लिक किया, जब आप इंग्लिश वर्ड पर वर्क करते हो तो एक हमारा यहाँ कॉर्नर में होता है जिसपे होता है होम। आप होम को क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चूज द फॉन्ट, चूज द फॉन्ट का ऑप्शन आएगा और ओपन होगा। चूज और चूज द फॉन्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो उसमें ढेर सारे, तब इस तरह का ये मीनू आपको ओपन होगा। इस मीनू को आप ओपन करोगे तो उसमें साइज होगा, जो ये साइज है इसका, कलर होगा, यहाँ पर हमारा कलर प्लेट बना होता है, ठीक है। ये कलर प्लेट हमारा होता है जिससे बहुत सारे कलर्स बने होते हैं। उसके बाद फॉन्ट चूज द फॉन्ट साइज और कलर, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉन्ट चूज करना है, ठीक है। उसके बाद उसको आपको साइज चूज करना है, फिर आपको फॉन्ट को किस कलर में डिस्प्ले करना है वो कलर आपको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारा आता है फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। इसके बाद जब आप फॉन्ट ग्रुप पे आप क्लिक करोगे तो इसके बाद ये ऑप्शन फुल ओपन होता है, इसमें टेक्स्ट है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए, इसमें रेफरेंस है, मीनिंग्स है, पेज लेआउट है, इंसर्ट है, होम है, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेनू जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। इसका दूसरा फिगर देखिए आप, फिगर नंबर 6.2 सेलेक्ट द फॉन्ट टाइप। उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे, जैसे अरेनो होता है, अल्बर्ट्स होता है, बहुत सारे एरियस ब्लॉक्स होता है, उसमें फॉन्ट के बहुत सारे साइज दिए होते हैं, तो उसमें से आपको कौन सा फॉन्ट को चूज करना है वो आप उस पर क्लिक करिए तो वो फॉन्ट साइज आपको ओपन होकर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चूज द फॉन्ट कलर, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन चूज द डिजायर कलर फ्रॉम द फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेनू। फिर आप ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारे, ये हमारा कलर प्लेट बना होता है इस तरह से, इसमें बहुत सारे कलर बने होते हैं, आपको फॉन्ट को कौन सा कलर देना है वो आप यहाँ पर क्लिक करिए, उस कलर में आपका फॉन्ट जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है व्हाइल चूजिंग फॉन्ट कलर वी शुड ऑलवेज कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड, द फॉन्ट कलर शुड नॉट बी वेरी लाइट इजली रीडिंग द
टेस्ट बिकम वेरी डिफिकल्ट। जो हमारा फॉन्ट साइज का जो कलर होता है वो बहुत लाइट ही होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर रीड करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो इतना लाइट होता है कि वो हमको ठीक से क्लियर दिखाई नहीं देता। इन अ ब्लॉक वाइट प्रिंट आउट लाइट कलर और ऑफ्टन नॉट रीडेबल। जो ब्लॉक होता है, ब्लैक वाइट प्रिंट आउट होता है, वो लाइट कलर्स और ऑफ्टन नॉट रीडेबल, वो रीडेबल इजली नहीं होता। देयर इज ए स्पेशल फिगर इन अ बोर्ड 2010 वेयर वेन एवर बी सेलेक्ट ऑफ पीसेस ऑफ टेक्स्ट द क्विक फॉन्ट टूल बॉक्स। आप यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द फॉन्ट कलर है, फिगर नंबर आप 6.4 देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स बने हुए हैं ना, बहुत सारे कलर्स हैं। तो वाइट पीस पे सबसे अच्छा हमारा जो क्लियर दिखता वो तो ब्लैक कलर ही होता है, और इसके अलावा हमें जो भी कलर चूज करना होता है हम इस कलर प्लेट पे क्लिक करते हैं और उस कलर को चूज करके हम अपने फॉन्ट को वो कलर जो है दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्विक फॉन्ट टूल बार। देयर इज ए स्पेशल फिगर इज अ वर्ड 2010 व्हेनेवर वी सेलेक्ट अ पीसेस ऑफ अ टेक्स्ट द क्विक फॉन्ट टूल बार अपीयर so that the font can be formatted directly for its style, size, color and other basic characteristics shown in figure 6.5। Quick font में क्या होता है कि जब आप quick font को open करेंगे तो आपका ये text word, size, color, font size सब आपको एक ही मीनू में मिल जाएगा, ठीक है। अदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक द सॉन इन फिगर नंबर 6.5। डू यू नो व्हाट वुड हैपन इफ यू क्लिक द एरो सी द रीड रेड सर्कल इन फिगर 6.6 इन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फॉन्ट ग्रुप। आप यहाँ देखिए फिगर नंबर जो है 6.6, यहाँ पर आपको एक रेड सर्कल दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारा फॉन्ट ग्रुप है, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप, आप फॉन्ट ग्रुप को ओपन करेंगे तो जो हमारा मेनू अपीयर होगा उसमें आपको ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। You can format the font type, style and size using the font tab in the dialog box। उसके बाद हमारा जो है font के लिए quick access में क्या है कि जो figure number 6.7 देखिए font dialog box। font dialog box को open करोगे तो जो हमारा screen पर ये figure appear होगा, ये appear होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आप फॉन्ट टैब इज डायलॉग बॉक्स, ये जो है एडवांस टैब इन द डायलॉग बॉक्स अलाउ यू चेंज द स्केल स्पेसिंग एंड पोजीशन पैरामीटर्स ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें आपको जो है फॉन्ट का साइज क्या देना है, पेज का साइज क्या देना है, फॉन्ट को किस इटैलिक बोल्ड या अंडरलाइन करना है, वो भी आप इसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में देख सकते हो, ठीक है। तो हम आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि इसमें आपको करना क्या है। हम कुछ भी एमएस वर्ड पर कुछ भी टाइप करते हैं या ड्राइंग शीट पे या किसी भी जहां हमको टाइप करना होता है, हमको फॉन्ट का साइज जब चेंज करना होता है, एग्जांपल जैसे कि बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना है फॉन्ट का।